हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये पार्टी ग्लैम लुक होने वाला है विद ग्लिटरी आईज एंड बोल्ड लिप्स। बहुत ही हॉट एंड सेक्सी टाइप ऑफ मेकअप है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले हम लगाएंगे लैक्मे का एब्सोल्यूट प्राइमर। अब मैंने हाथ में ले लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। ओपन पोर्स होते हैं ये वाला प्राइमर, तो उस ओपन पोर्स को क्लोज कर देता है अच्छी तरीके से। देन इसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। यहाँ पे मेरे पास डर्माकोल का फाउंडेशन है जो फुल कवरेज मेकअप फाउंडेशन होता है। ये पूरे फेस में भी स्पॉट्स होते हैं उसको कवर अप कर देता है पूरे। आपने एड्स भी देखे होंगे काफ़ी डर्माकोल के। बेसिकली इट्स अ मेकअप कवर। यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर इसको ब्लेंड करूँगी। सो आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का सा ब्लेंड करा और इसने पूरे एकदम से कवर अप कर दिया। सारे मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया है, मैंने नेक पे भी लगाया है और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे CV3 का कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है मैंने, ताकि जो हमारा बेस है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए, केक ही ना लगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं लियो का मेरे पास इन्फेलेबल कंसीलर है। सो मैं इसको अंडर आइज जहाँ पे हल्का फुल्का स्पॉट्स लग रहे हैं, डार्क स्पॉट्स लग रहे हैं या फिर डार्क सर्कल लग रहे हैं, वहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगी अच्छी तरीके से। वहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है। देन इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी इस तरीके से। आई के ऊपर भी करूँगी ताकि जो हमारा आई का जो बेस है वो भी सेट हो। यहाँ पर मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास NY डे का कॉन्टोर है, कॉन्टोर स्टिक। यहाँ पे मैं कॉन्टोर करूँगी अपने फेस को स्टिक से। बहुत ही क्रीमी मैट स्टिक है ये, बहुत अच्छी तरीके से आपके फेस को स्लिम बना देता है ये। यहाँ पे मैंने फोरहेड पे लगा लिया है, नोज एरिया पे लगा लिया। देन इसको हम एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। इसको ब्लेंड करने के बाद हम जब अच्छी तरीके से ब्लेंड होगा तो ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको एक और बार ब्लेंड कर लेंगे। देन अब बारी आती है हमारे पास नेलियो का, ये है लूज पाउडर। ये अप्लाई करने से जो होता है आपका जो कॉन्टूर होता है वो और स्मूथ और बहुत फिनिश तरीके से दिखता है, एकदम शार्प एंड एजेस के साथ। सो यहाँ पे मैं इसको अंडर आई एरिया में, नोज एरिया में, फोरहेड में और यहाँ पे जॉ लाइन में अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करूंगी और उसको 2 मिनट तक रहन दूंगी। सो यहाँ पे मैंने अप्लाई करा है इसको अच्छी तरीके से, देन उसको यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए रहन दूंगी। मैंने जब तक 2 मिनट हो रहे हैं तब तक मैं अपने ब्राउज को फिल कर लेती हूँ। आईब्रोज भी नहीं बनाई है यार लॉकडाउन की वजह से। अच्छी तरीके से हम बिल्कुल बोल्ड मेकअप कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपने आईब्रोज को भी अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। साथ मैंने कर लिया अच्छी तरीके से। देन एक ब्रश की हेल्प से जो हमने व्हाइट पाउडर ब्लू पाउडर लगाया उसको हटाएंगे। अब देख सकते हैं हाइलाइटेड हो गए हैं कुछ कुछ पॉइंट, देख सकते हैं आप। अंडर आईज, जॉ लाइन, फोरहेड, ये सब एकदम। साथ में मैंने अच्छी तरीके से इसको रिमूव कर लिया है। देन इसके बाद हम आई मेकअप करेंगे। तो यहाँ पर मैं हुदा ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ और इसमें से ये वाला शेड लूँगी जो थोड़ा क्रीम और थोड़ा ब्राउन काइंड ऑफ में मिक्स में है। तो इसको ब्लेंडिंग ब्रश से मैं लूँगी और इनर आउटर वी से इनर वी पे लेके जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं ले गई तो एकदम हल्का सा ये ब्राउन टोन में इसने मुझे कलर देना शुरू कर दिया। सो आप ऐसे ही करके लेके जाएंगे बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। तो ये ट्रिक होती है ब्रश को पकड़ने की और आई शेडो को अच्छी तरीके से ब्लेंड करने की। सो मैं प्राइमर भी सेम करूंगी।
यहाँ पे नेक्स्ट जो शेड लूंगी वो उसी के जस्ट नीचे एक शेड है पिंकिश ग्लिटर टाइप में है वो कलर लूंगी और उसको आउटर वी से इनर वी के बीच में जो गैप है उसमें लगाऊंगी। मुझे ग्लिटरी लुक दे दिया है इसमें यहाँ पे भी मैं वही सेम कलर लगाऊंगी। यहाँ पे मैं देखी लगा चुका है सेटिस्फाई हो चुकी हूँ मैं। अब देन इसके बाद हम लगाएंगे लाइनर टेक और जो लाइनर है मेरे पास यहाँ पे तो मैं इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करूंगी लाइनर को। यहाँ पे विंग लाइनर बनाएंगे हम यहाँ पे मैंने विंग लाइनर बना लिया है ऑफ कैमरा। देन मेरे पास यहाँ पे मैक का ग्लिटर वाला लाइनर है जैसे कि मैंने बताया थोड़ा बोल्ड लुक होने वाला है सो जस्ट इस ब्लैक लाइनर के ऊपर ही हम ये वाला लाइनर लगाएंगे ग्लिटरी वाला और इसको पहले तो एक हल्की सी लेयर लगाएंगे कि अगर वो आपके ऊपर है वो आपको हल्की सी लेयर लगानी है तो आप हल्की सी लगाइए। अगर आपको थोड़ा बोल्ड चाहिए बिल्कुल दिखे एकदम तो आप उसको जितना आपका मर्जी है आप उतना उसको बोल्ड करते रहिए। तो मुझे थोड़ा बोल्ड चाहिए तो मैं इसको दो तीन लेयर लगाऊंगी अच्छी तरीके से जब तक मैं खुद सेटिस्फाई ना हो जाऊँ। हाँ जब तक मुझे लगेगी नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने किस तरीके से लगाया। देन यहाँ पे मेरे पास मस्कारा है यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी अपने आईज में। सो मैंने अप्लाई कर लिया मस्कारा ताकि हमारी लैशेस थोड़ी वॉल्यूमिनस लगे। यहाँ पे मैंने लगा लिया देन लैशेस की बारी है तो मैंने यहाँ पे लैशेस भी लगा लिए हैं। अब यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगाऊंगी चीक बोन्स पे। यहाँ पे ब्रश की हेल्प से मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। नोज ऑफ ब्रिज में लगाएंगे क्यूपिड बो पे लगाएंगे। यहाँ पर मैं लगा लिया देन इसके बाद हम लगाएंगे ब्लशर। नाइन कलर पैलेट में से मैं एक कोई से ब्लशर ले लूंगी और उसे ब्लशर ब्रश से लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने लगा लिया है देख सकते हैं आप। देन इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। सो ये एरियस का लिपस्टिक है ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। ये 4 से 5 लिपस्टिक का पूरा सेट आता है ये वाइन की बॉटल में टाइप में है। सो ये बिल्कुल रेड कलर में है बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। मुझे लगता नहीं था कि एरियस का कुछ भी लॉन्ग लास्टिंग होगा लेकिन जब मैंने ट्राई करा तो बहुत ही अच्छा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ पे अब हम चेंज करके आएंगे। सो मैंने यहाँ पे हेयर सेल हेयर सेल मैंने बना लिया है। सो यहाँ पे इयर रिंग्स मैंने पहन लिया आपको जो भी एक्सेसरीज पहननी है पहन लो। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये लुक कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पार्टी मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा सटल मेकअप है ये और ग्लिटरी काइंड ऑफ में है। सो ये कहीं भी आप फंक्शन में जा रहे हैं हल्दी संगीत किसी में भी जा रहे हो तो आप ये करके जा सकते हैं एंड यू विल रॉक द पार्टी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेकअप किसी पे भी। सो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए प्लीज़।